हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर क्लासेस। ओके, हमने अभी हम चैप्टर टू पढ़ रहे हैं, वर्ण विचार है ना। इसमें हमने क्या क्या देखा था, वर्ण, वर्णमाला क्या होते हैं, कितने होते हैं, स्वर व्यंजन है ना, स्वर के प्रकार कितने होते हैं, यहाँ तक हमने देख लिया था फर्स्ट वीडियो में। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। स्वरों के मात्रा चिन्ह, स्वरों के मात्रा चिन्ह निश्चित हैं। इन चिन्हों का प्रयोग व्यंजनों के साथ किया जाता है। व्यंजन स्वयं में आधे होते हैं, इनके साथ स्वर लगाने पर ये पूर्ण हो जाते हैं। इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से ही किया जा सकता है। इनके साथ स्वर मात्राओं के रूप में प्रयुक्त होते हैं। आ को स्वर के रूप में स्वीकार कर लिया गया है, ठीक है। स्वरों के मात्रा चिन्ह जो है क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। इन चिन्हों का प्रयोग व्यंजनों के साथ किया जाता है। व्यंजन जो है हमेशा आधे होते हैं स्वयं में। इनके साथ जब हम स्वर लगाते हैं तो ये जो है क्या होते हैं, पूर्ण होते हैं। स्वरों की सहायता से ही इनका हम उच्चारण कर सकते हैं, ठीक है। ये मात्राओं के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे ये क जो है ऐसा आधा होता है, जब हम इसमें अ जोड़ते हैं ना तब ये क्या हो जाता है, ये पूरा क बनता है, ठीक है। ये जब हलंत रहता है तो ये आधा क होता है। ओके, तो इसी को इसमें बता रहा है कि आपको, इसी को आपको बताया जा रहा है कि जो है स्वरों की सहायता से ही हम व्यंजन का उच्चारण कर सकते हैं। व्यंजन जो है स्वयं में आधे होते हैं, जब हम स्वर का यूज़ करते हैं तब वो पूर्ण होते हैं। यहाँ पे एक नोट दिया गया है कि आ को स्वर के रूप में स्वीकार कर लिया गया है, ठीक है। आपने अब तक 11 पढ़े थे, अब 12 पढ़ेंगे, किसको मिला के, इसको मिला के। ओके, क्रम देखिए, आपको स्वर दिया गया है, मात्रा चिन्ह दिया गया है, मात्रा का प्रयोग दिया गया है, उदाहरण भी दिया गया है, ठीक है। अ दिया गया है, उसका मात्रा आपको पता है कि अ की मात्रा नहीं होती है ना। आ की मात्रा आपको पता है, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ए, ओ, औ, अम, अह, ठीक है, ओ, औ, इतने जो है स्वर हैं, इनकी सबकी मात्रा आपको क्या है, पता है ना। यहाँ पे आपके लिए जो ये आ और जुड़ा हुआ है उसकी मात्रा जो है ये, ठीक है। यहाँ पे मात्रा का प्रयोग दिया गया है, जैसे मैंने आपको बताया आधा क और अ को मिलाएंगे तो क बनेगा, आधा क और आ को मिलाएंगे तो का बनेगा, आधा क और आ को मिलाएंगे तो का बनेगा, आधा क ई को मिलाएंगे तो की बनेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है मात्रा का प्रयोग करके इसको पूर्ण किया जा रहा है, कि इसको व्यंजन को पूर्ण किया जा रहा है, ठीक है। और एक यहाँ पे उदाहरण भी दिया गया है कि कैसे बनता है। अगर हम क से बनाते हैं तो कमल, महल, है ना। आ की मात्रा का बनाते हैं तो माता, भाला, ये सब जो है आपको पहले से आता है। ये आपने KG1 KG2 नर्सरी ये सब में आपने यही काम किया है ना, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये री की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, ठीक है। चलिए ख देखते हैं, व्यंजन। अब व्यंजन क्या होता है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा रुकावट के साथ मुंह से बाहर निकलती है और उनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा उच्छिप्त व्यंजन, तीसरा अंतस्थ व्यंजन और चौथा है आपका उष्म व्यंजन, ठीक है। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले आपको व्यंजन की परिभाषा मेमोराइज कर लेनी है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा रुकावट के साथ मुंह से बाहर निकलती है और उनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं, ठीक है। ये 4 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु, हवा जो है कंठ, तालु, मूर्धा या ओठों का स्पर्श करके बाहर आती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। पेड़ कड़ा और पढ़ाई कड़ा को मिलाकर स्पर्श व्यंजन कितने हैं, 27 है, ठीक है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, 27 है, ये आपको मेमोराइज कर लेना है। स्पर्श व्यंजन क्या है, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु कंठ, तालु, मूर्धा या ओठों का स्पर्श करके बाहर आती है, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और पेड़ वाला ड़ और पढ़ाई वाला ड़ को मिलाकर स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 27 होते हैं, 27 होते हैं, क्या, स्पर्श व्यंजन। ओके, यहाँ पे देखिए व्यंजन है क ख ग घ ङ ञ ज झ ञ ट ठ ड ण ण त थ त ध न प फ प भ म। ये जो है क क वर्ग का है, च च वर्ग का है, ट वर्ग का है, त वर्ग का है और प वर्ग का है, ठीक है। इनका वर्ग आपको समझ में आ गया कैसे डिवाइड हुआ है, इनका वर्ग जो है इनके सामने से जो स्टार्ट होता है क ख ग घ, तो क से, च से, ट से, त से और प से, ये वर्ग है। ओके, और इनका उच्चारण स्थान क्या है, क ख ग घ जब हम बोलते हैं तो कहाँ से होता है, वो कंठ से होता है, क ख, है ना, ये कंठ से आप बोलते हो। च छ बोलते हो तो तालु, इट मीन्स जो जीभ के ऊपर वाला भाग होता है, च छ, ये जो है आपके तालु से होता है,
ट ड ढ ण जो है क्या होता है, ट वर्ग जो है मूर्धा से होता है, ठीक है। ट ठ इट मीन्स, ठीक है। त थ द ध न, आपको पता है त थ जब आप बोलते हो तो दांत का यूज़ ज़्यादा होता है। प फ बोलते हो तो आपको क्या यूज़ होता है, ओट का यूज़ होता है, ठीक है। तो ये आप अगर समझ के रखोगे मेमोराइज करने के बजाय तो ये आपको ईजी याद रहेगा, ओके। सेकेंड है आपका उच्छिप्त व्यंजन, ठीक है। पेड़ वाला ढ और ढ का पढ़ाई वाला ढ का उच्चारण करने में वायु जीभ से टकराकर वापस आती है और फिर बाहर निकलती है, इसलिए उन्हें उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण स्थान जो है क्या है, मूर्धा है, ठीक है। ये मैं आपको पढ़ने के लिए बता रही हूँ कि ये कौन सा है, आप इसको याद नहीं कर पाओगे कि ये इसको क्या बोला जाता है ना, आप कंफ्यूज मत होगे। इसके लिए आपको ये हमेशा मेमोराइज़ करना है कि पेड़ वाला ढ है और पढ़ाई वाला ढ है, ठीक है। ये आप याद कर लोगे पेड़ और पढ़ाई, तो आपको ये जानने में इजी हो जाएगा, ठीक है। ये जो है उच्छिप्त व्यंजन है और इनका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। अंतस्थ व्यंजन होते हैं, इन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का है, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण जीभ तालु दांत और ओठों के स्पर्श से होता है, ये अर्धस्वर भी कहलाते हैं। य र ल व अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन क्या क्या है, य र ल और व अंतस्थ व्यंजन है। और अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, अंतस्थ व्यंजन आपके इन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का है, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, ठीक है। इनका उच्चारण स्थान जीभ तालु दांत और ओठों के स्पर्श से होता है, इसको और क्या बोला जाता है, ये अर्धस्वर भी कहलाते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका, उष्म व्यंजन है आपका। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख में उष्मा गर्मी से उत्पन्न होती है, ऐसे मुख में वायु से टकराने से होता है, इसलिए इन्हें उष्म व्यंजन कहते हैं, ठीक है। एक गर्म सुसुराहट से निकलती है, इसके लिए हम इसको उष्म व्यंजन कहते हैं। स स स ह ये जो है क्या है, उष्म व्यंजन है ना। तो क्या समझा आपने, इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से उष्मा गर्मी सी उत्पन्न होती है, ऐसा मुख में वायु के टकराने से होता है, इसलिए इन्हें हम उष्म व्यंजन कहते हैं, ठीक है। विदेशी शब्दों को अपना लेने के कारण हिंदी में ज और फ वर्ण भी सम्मिलित कर लिए गए हैं, इनका उच्चारण करना सीखिए और इनसे बने शब्द पढ़िए। रोज, मोजा, जेब्रा, जू, साफ, फोटो, सफाई, सफर, है ना। ये जो हम फ यूज़ करते हैं, तो हम जो फ यूज़ करते हैं वो फल में यूज करते हैं, फल, तो फ को पूरा फ बोलते हैं, है ना। लेकिन जब यहाँ पे हो जाता है तो सफर, इसके साथ में एक साइलेंट सा कुछ ध्वनि छुपा हुआ है ना, सफर। तो इस साइड इस तरीके से आप इसको ज और फ इसको आप जो है जान सकते हैं, ओके। ये आपका आपने अभी पढ़ा व्यंजन इस वीडियो में, ठीक है। इसके पहले वीडियो में आपने इस चैप्टर से पढ़ा था स्वर, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा अन्य प्रमुख ध्वनियाँ वर्ण चिन्ह, ओके। आपने व्यंजन में क्या क्या पढ़ा कि व्यंजन जो है क्या होते हैं, सॉरी इसके पिछला पेज भी आपने पढ़ा हुआ है, स्वरों के मात्रा चिन्ह है ना। आपने स्वरों का मात्रा चिन्ह देखा, व्यंजन देखा, व्यंजन की परिभाषा, व्यंजन के प्रकार क्या क्या होते हैं, कौन से वर्ग होते हैं और उनका उच्चारण स्थान क्या है, और उनका एक डेफिनेशन जो होता है कि किनको बोला जाता है ये आपने जाना, और क्यों बोला जाता है ये आपने इस वीडियो में जाना, ओके। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को देखने के बाद एक बार घर पे इसको रीड करिएगा, आपको इजीली फिर वो समझ में आ जाएगा, और जितनी जल्दी हो सके आप इसको मेमोराइज भी करके रखिए, ओके, क्योंकि ये नेक्स्ट आगे सारी क्लासेस में आपके ये काम आने वाले हैं, ओके। अभी के लिए थैंक यू।